2019 की गुमनामी आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर सृजित मुखर्जी, आईएमडीबी रेटिंग 7.8। जो नई श्रोताएं हैं, जिन्हें हमारी कहानी सुनना अच्छा लगता है, प्लीज चैनल को भी पक्के से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी हिट करना ना भूलें और मूवी स्ट्राइप को सुनते रहें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के बारे में तीन प्रमुख मत है। पहला और आधिकारिक मत ये है कि उनका 18 अगस्त 1945 को पूर्वकालीन फार्मोसा के ताइहॉक एयरड्रोम में एक विमान दुर्घटना में देहांत हुआ। दूसरा, उन्होंने विमान दुर्घटना होने का नाटक किया और वो रूस चले गए, जहां उनको किसी अज्ञात जेल में मार दिया गया। तीसरा, उन्होंने विमान दुर्घटना होने का नाटक किया, रूस गए, भारत वापस आए एक सन्यासी बनकर और 16 सितंबर 1985 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में उनका देहांत हुआ। कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली 1939। भारत का प्रतिनिधित्व करती इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस बार के पार्टी इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस पार्टी प्रेसिडेंट चुने गए, मगर पार्टी के बाकी सदस्यों के लिए ये एक चिंता का विषय है। और ये बात खुद बापू और नेहरू ने एक बैठक के दौरान सुभाष को बताया कि वो लोग चाहते हैं इस चल रहे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से लड़े, पर सुभाष जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं कभी उस साम्राज्य का समर्थन नहीं करूंगा जिसने हमारे ऊपर 200 साल बड़ी बहरेमी से राज किया, और न कभी उन फिरंगियों के लिए भारतीय सेना के बलिदान का पक्ष लूंगा। बापू बोले, अंग्रेज अभी मुसीबत में है, अगर हम अभी उनका साथ देंगे तो वो जरूर हमारी पार्टी के मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और हमें आज़ादी देंगे। सुभाष जी बोले, आज़ादी कोई भीख है क्या जिसके लिए हमें हाथ फैलाना पड़े? आज़ादी हमारा हक है जिसे छीन कर लिया जाता है। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा सुभाष, भारत को आज़ादी सिर्फ अहिंसा से ही मिल सकती है। बापू बोले, जब पार्टी से सुभाष एकमत नहीं हो सके, उन्होंने कहा, आप अपने तरीके से देश को आज़ाद दिलाइए और मैं अपने तरीके से, और कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद त्याग कर वो चले गए। अब कहानी आ गई साल 2003 कोलकाता। टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस की तरफ से पत्रकार चंद्रचूर धर को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रहस्य की गुत्थी के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने का काम सौंपा गया, जो आने वाले 2 साल में होने वाले तीसरे मुखर्जी कमीशन में पेश की जाएगी। चंद्रचूर बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का इंसान है, उसके लिए वही याद करने योग्य है जो जीतता है, हारने वालों को तो सांत्वना दी जाती है, उसके लिए सुभाष एक हारा हुआ नेता था। खैर, जब रिपोर्ट तैयार करने को मिली है तो उस पर काम शुरू हुआ। दिन, हफ्ते, महीने गुजरने लगे और उसे लग रहा है जैसे अब तक तो वो सिर्फ समुद्र की सतह पर तैरते किसी हिमशिला को देख रहा था, जो उसके कुल आयतन के केवल 20% है, बाकी 80% तो पानी के अंदर डूबा हुआ है, जो ऊपर से देखने वालों को नजर नहीं आता। चंद्रचूर गहरे और गहराई में डूबने लगा, इतना कि खाते पीते जागते सोते वो सुभाष में ही खोया रहता। दोस्तों, अब पहले कुछ तथ्य मैं आपको नेताजी के बारे में बता दूं, जिससे आप कहानी को और गंभीरता से समझ पाएंगे। दिन था 1 सितंबर 1939, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की कई कॉलोनी थी, जैसे फिलीपींस, हांगकांग, मलाया, सिंगापुर। अब क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटेन और जापान आमने सामने थे, तो जापान से हवाई हमले का खतरा हमेशा रहता, इसीलिए ब्रिटिश आर्मी ने करीब 70,000 सैनिकों को इन देशों में भेजा। और तो और, 3 सितंबर 1939 को एक घोषणा की, जिसके अंतर्गत बिना किसी भी इंडियन पार्टी से मशवरा किए ब्रिटेन ने कह दिया था कि इस युद्ध में भारत ब्रिटेन को सपोर्ट करेगा। इसका देश में कड़ा विरोध हुआ। नेहरू ने कांग्रेस मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया। सुभाष ने देश भर में सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट की मांग की, मगर पार्टी के समर्थन की कमी के कारण उन्होंने ये मुहिम केवल कलकत्ता में चलाई, जिसके बाद उन्हें जेल में भर दिया गया, जहां 7 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की और तबियत खराब होने की वजह से अब उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन लाख पहरेदारी के बावजूद 17 जनवरी 1941 को वो छंद वेश में देश से निकलने में कामयाब रहे। देश विदेशों में जाकर भारत के लिए सेना बनाने की कोशिश में जर्मनी हिटलर तक भी पहुंचे, लेकिन वहां बात नहीं बनी और फरवरी 1943 एक सबमरीन से वो जापान आ पहुंचे। उनसे उन्होंने हाथ मिलाया और जापान ने ब्रिटिश आर्मी में मौजूद बंदी भारतीय सैनिकों को सुभाष चंद्र को सौंप दिए, क्योंकि दोनों ही ब्रिटेन के खिलाफ खड़े थे। और इस तरह युद्ध में बंदी सैनिकों से बना इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज
लेकिन इसकी नींव पहले ही राज बिहारी बोस द्वारा 1942 में रखी जा चुकी थी, जिसे उन्होंने सुभाष चंद्र को सौंप दिया था। इसी समय उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इसका नारा दिया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने अराकन नागालैंड में अंग्रेजों को पछाड़ा, यहां तक कि मणिपुर में भारत का झंडा भी लहराया। अंत में 2 सितंबर 1945 में मित्रपक्ष देश जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था जीत गए। जापान घुटने टेक चुका था और पैसों के अभाव में आजाद हिंद फौज के 16,000 सैनिकों को ब्रिटेन ने बंदी बना लिया। सुभाष चंद्र को मित्रपक्ष देश एक क्रिमिनल मानती थी और अब उनकी जान को भी खतरा था। वो अपने अहम सहयोगी रहमान के साथ 18 अगस्त 1945 ताईहुकु फॉर्मोसा से जब टोक्यो के लिए उड़ान भर रहे थे और विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के बाद टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में उनके अस्थियों को स्थान मिला। मगर ये सिर्फ सच का एक पहलू है, सच्चाई के दूसरे पहलुओं पर नजर डालना अभी बाकी है। 26 अगस्त 1945 सुभाष जी के घर जहां उनका श्राद्ध कार्यक्रम को मदन मोहन मालवीय और गांधी जी के तार के मुताबिक रोक दिया गया। और उसी साल 29 अगस्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकागो ट्रिब्यून से आए एक पत्रकार ने दावा किया कि सुभाष चंद्र बोस को उनकी कथित मौत 18 अगस्त के 3 दिन बाद 21 तारीख को भी साइगोन में देखा गया है। वो एक युद्ध अपराधी है, उन्होंने जापान और जर्मनी के हिटलर से हाथ मिलाया, इसीलिए मित्र पक्ष देश का आदेश है कि सुभाष के मिलने पर उन्हें ब्रिटेन को सौंप दिया जाए। अब वापस कहानी में आते हैं। यहाँ पत्रकार चंद्रचूर का जुनून हदों को पार करता जा रहा है, जिससे उसकी पत्नी से तो उसके संबंध खराब हुए ही हैं और ऐसा लगने लगा है कि उनके घर में 2 नहीं अब 3 लोग रहने लगे हैं, जिसमें से एक सुभाष चंद्र जी है। नौबत ये आ गई है कि उनका तलाक हो गया और साथ ही उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बॉस ने उससे पूछा, ये सब किस लिए, सुभाष तो कब के जा चुके हैं। चंद्रचूर बोला, ये उस आदमी के लिए जिसने हमारे देश की निस्वार्थ सेवा की है और एक गुमनाम मौत मरे। चंद्रचूर को खुद नहीं पता उसे किस चीज की भूख पैदा हो गई, सच की भूख, न्याय की भूख, जिसका और कोई एवज नहीं होता। एक 60 साल पुरानी गुत्थी को सुलझाने की ये पहली कदम है। अब चंद्रचूर में भी सुभाष की झलक दिखने लगी है। कहानी फिर पीछे लौट गई, वही कलकत्ता 1947। बंटवारे के बाद गांधी जी बीमारी से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था ये बंटवारा हमें रास नहीं आएगा, काश मेरा दूसरा बेटा आज यहाँ होता। सुभाष, वो ऐसा कभी नहीं होने देता। समय पूरा हुआ और आया 3rd मुखर्जी कमीशन की अदालत का दिन, 15 मार्च 2005। ये एक ऐसी संस्था है जो सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु से जुड़े रहस्य और कहानियों पर रोशनी डालता है। चंद्रचूर को अपनी रिपोर्ट पेश करने बुलाया गया तो शुरू होता है सबसे पहले झूठ के खंडन से। कहानियों के मुताबिक नेताजी का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो टोक्यो के लिए नहीं बल्कि रूस के लिए निकली थी, ताकि जापान के आत्मसमर्पण के बाद वो भारत की आज़ादी के लिए रूस का समर्थन ला सके। लेकिन और भी हैरान करने वाली बात ये है कि उस दिन कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। फिर से कहानी उसी दौर पे लौटी। नेताजी ने अपने जापानी सहयोगियों से कहा कि उन्हें किसी भी तरह रूस पहुंचना होगा, वो उसे रूस के दारिया नामक जगह तक छोड़ देंगे जो जापान के कब्जे में है, लेकिन उससे आगे जाने के लिए उन्हें रूस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। नेताजी बोले, एक और नाटक रचना होगा मेरी मौत का, एक विमान हादसा जिसमें कुछ जापानी सेना अधिकारी भी होंगे जिन्हें कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड होना होगा। इसके अलावा डॉक्टर, नर्सेज, एक पुजारी और जहां विमान दुर्घटना का नाटक करेंगे वहां की पहली हुई हादसे की कुछ पुरानी तस्वीरें चाहिए। इस काम में उन्होंने अपने साथ रहमान की मदद ली क्योंकि वो ही रहेगा इस हादसे का चश्मदीद गवाह। नेताजी की मौत की ऐसी कहानी जिसे उसे बार बार दुनिया के सामने दोहरानी होगी। याद रहे, वो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक युद्ध अपराधी है, उसके ऊपर राजनैतिक दबाव दिया जाएगा, लेकिन कहानी नहीं बदलनी चाहिए जब तक कि नेताजी वापस आकर इस देश को आजाद नहीं करा देते। कमीशन के एक सदस्य ने पूछा, क्या सबूत है कि उस दिन कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। चंद्रचूर बोला, 1 तो नहीं पूरे 19 सबूत है बताने को। सबसे पहला, उस दिन तो क्या, उस पूरे साल में वहाँ एक भी विमान दुर्घटना होने की कोई सरकारी रिपोर्ट दर्ज नहीं है जो बताते हैं कि दुर्घटना की तस्वीरें झूठी थी। इसके अलावा विमान के आग लगने की वजह, जगह और नेताजी के चोट को लेकर भी गवाहों के मत एक दूसरे से मेल नहीं खाते। 1945 में नेताजी की ताईहुकु हवाई अड्डे पर जलकर मौत हुई, इसका ना हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, ना एयरपोर्ट लॉग बुक, ना पुलिस या फायर ब्रिगेड के रिपोर्ट्स बरामद हुए हैं। जिस दिन नेताजी को जलाया गया उस दिन वहाँ सिर्फ एक आदमी की लाश जली थी
और एक ही डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया था जो किसी इचिरो ओकुरा नाम के जापानीज आदमी की थी जिसका जन्म 1901 में हुआ था और जिनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया है। और सबसे बड़ी बात, नेताजी के साथ इतने बड़े बड़े जापानी अफसर थे जिनकी न लाश मिली, न कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स है और न ही अंतिम संस्कार के सबूत। मानो वो सब प्लेन में बैठने के बाद यो हवा में गायब हो गए, कमीशन का सदस्य बोला। तो तुम्हारे शोध के मुताबिक आखिर वो गए कहाँ, नेताजी कहाँ गए, इसे लेकर कई विवाद है। कुछ लोग कहते हैं वो रूस में पकड़े गए जहाँ उन्हें बंदी बनाकर काफी टॉर्चर किया गया और अंत में उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन मेरी थ्योरी ये कहती है कि उस छोटे विमान हादसे के बाद वो रूस के साइबेरिया में कुछ साल रहे, फिर 1950 में वो चीन और वहाँ से तिब्बत चले गए। वहाँ उन्हें योग साधना और अध्यात्म अभ्यास करने का मौका मिला और फिर सन्यासी बनकर किसी महादेव मिश्रा की मदद लेकर नेपाल के रास्ते भारत लौट आए। अब कहानी पीछे आज़ादी के 8 साल बाद 1955 लखनऊ आलमबाग पहुँच गई, जहाँ पर्दे में एक बाबा जी बैठे हैं जिन्हें कई नामों से जाना जाता है, पर्दे वाले बाबा, अनाम संत, भगवान जी या गुमनामी बाबा। जब वो वापस भारत आके बसे थे अपनी बाकी की जिंदगी गुमनामी में बिताने के लिए, तब वो नहीं जानते थे कि एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें भागे भागे फिरना होगा। एक शाम वो चश्मा लेने पहुँचे जहाँ पगड़ी उतारते ही किसी ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। और ऐसे कई नेताजी के रिश्तेदार दोस्त हैं जिन्होंने उन्हें समय समय पर इस रूप में पहचान लिया था। उनके और गुमनाम बाबा जी के बीच चिट्ठियों के आदान प्रदान के कई सबूत मिले हैं जो कमीशन को जमा किए जा चुके हैं। जांच की अगली तारीख सुनाकर कमीशन आज के लिए मुलतवी कर दी गई। बाहर उसे रोनिता मिली, उसकी पत्नी। उसने बताया, कल रात मुझे धमकी भरा फोन आया था, तुम्हें ये सब रिसर्च बंद करने को कह रहे हैं, मगर इससे इस बात का तो भरोसा मिला कि रोनिता को आज भी उसकी फिक्र है। अगले कमीशन की बैठक में उन गवाहों की पेशी हुई जिनका साक्षात्कार गुमनामी बाबा से हो चुका था, जिनमें से एक है श्रीकांत शर्मा कान्हा जो कि एक कवि है, नेमसार उत्तर प्रदेश 1963 में। मैंने एक दफा उनसे पूछा था कि आज़ादी के लिए इतनी मेहनत के बाद आज जब हम आज़ाद हैं तो आप सबके सामने क्यों नहीं आ जाते। बाबा बोले, इसे आज़ादी नहीं समझौता कहते हैं। कुछ नेताओं ने मिलकर अंग्रेजों के साथ भारत बंटवारे की कीमत देकर बहुत घिनौना समझौता किया है। वैसे मैं इस देश की राजनीति से मुंह मोड़ चुका हूं और एक युद्ध अपराधी भी हूं। अगर मैं सामने आ गया तो हमारा देश जो अंग्रेजों की उंगलियां पकड़कर चलना सीख रहा है उसे बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा एक संधि के मुताबिक भारत सरकार को मुझे अंग्रेजों को सौंप देना होगा क्योंकि उनकी नज़र में मैं एक गुनहगार हूं जिसने उनके दुश्मन देश से हाथ मिलाया था। कुछ दिन बाद नेताजी से मिलने उनके भूतपूर्व पार्टी की लीला रॉय और समीर गुहा भी मिलने आए। जब लीला ने पूछा, सुभाषदा क्या ये आप हैं, वो बोले, मैं वो नहीं जिसे तुम लोग ढूंढते आए हो, मैं तो एक सन्यासी हूँ। वो इंसान तो कोई और है, जब कोई सन्यासी बन जाता है तो उसकी पिछली की जिंदगी बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे उसका पिछला जन्म। लीला बोली, आप बहुत नाराज होना सुभाषदा। वो बोले, एक इंसान जो अपने माँ बाप के रहते हुए भी अनाथ हो गया हो, भाई बहन के होते हुए अकेला पड़ गया हो, जो अपने ही देश में शरणार्थी बन गया हो, जिससे अपने देश में रहने का हक भी छीन लिया गया हो, वो नाराज कैसे हो सकता है, पर दुखी जरूर हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना और मुझे खत लिखते रहना। फिर बारी आई सुनील गुप्ता की, जो पेशे से एक वकील थे और सुभाष जी के खास। जब नेताजी के बड़े भाई सुरेश बोस को गुमनामी बाबा के रूप में सुभाष जी का मालूम हुआ, उन्होंने मुझे सच का पता लगाने भेजा। मैंने वापस आके उन्हें आश्वस्त किया कि वही हमारे सुभाषदा है, इसमें कोई दोराह नहीं, पर वो शायद अब कभी वापस ना आ पाए क्योंकि इससे उनके परिवार लोगों को खतरा तो है ही, साथ ही ऐसा लगता है उनके सम्मान को कहीं बहुत ठेस पहुंची है। उनका मानना है कि आज़ादी के बाद जिस गति से देश को विकास करना चाहिए था वो नहीं हुआ। सुरेश बोला, कहीं ना कहीं इस देश ने हमने उसे निराश ही किया है। ठीक है, अगर वो सामने नहीं आना चाहता तो ना सही, मैं उसे चिट्ठी लिखूंगा, उसे जो कुछ भी चाहिए तुम दे देना, उसका जन्मदिन भी तो आने वाला है, मिस्टी और हिलसा मछली उसका पसंदीदा है। जैसे नेताजी के चाहने वालों की कमी नहीं थी, वैसे ही दुश्मनों की भी नहीं, उन्हें बार बार अपना ठिकाना बदलते रहना पड़ता। राम भवन फैजाबाद उत्तर प्रदेश 18 सितंबर 1985 को नेताजी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। जिन्होंने देश के लिए खुद को मिटा दिया उनके अंतिम यात्रा में मात्र 13 भाग्यवान लोग शामिल थे, मगर इस बात का सुकून तो है कि मौत उन्हें इसी जन्मभूमि पे नसीब हुई। सरायू नदी के गुप्तर घाट में जहां राम भगवान ने अपने शरीर को त्याग दिया था, उसी के पास एक मिलिट्री छावनी में उन्होंने आखिरी सांसें ली।
जाहिर सी बात है लोगों में सवाल उठा कि एक साधारण से साधु का मिलिट्री कैंप से अंतिम संस्कार ये कैसे हुआ। ये भी सोचने वाली बात है। गुमनामी बाबा के कमरे से 2760 चीजें मिली है, जिनमें शामिल है वो सारे खत जो उनके साथ काम किए स्वतंत्र सेनानियों, पार्टी के लोगों, उनके परिवार के सदस्यों ने लिखे हैं, जिनमें एक सबसे चौंकाने वाली चिट्ठी यूएन संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भेजा गया। चीजों में और भी शामिल है जापानीज वाटर फिल्टर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस्तेमाल होने वाले फ्लैशलाइट, जर्मन दूरबीन, पाइप्स, सिगरेट, सिगार, कई भाषा में किताबें, मैगजीन्स, सुभाष जी के परिवार की कई दुर्लभ तस्वीरें भी है जिसके पीछे उनके ही हाथ से लिखे नोट्स हैं, उनके सहयोगी के साथ में तस्वीरें और उनके पीछे अपने हाथों से लिखे उनके उपनाम, और तो और बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस को घोसला कमेटी के बुलावे की ओरिजिनल कॉपी। घोसला कमेटी ये पहली कमेटी थी जिसे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु रहस्य पर बनाई गई थी, जिसके जवाब में सुरेश बोस ने ये रिपोर्ट गलत बताई और कहा था कि सुभाष अभी भी जिंदा है। रिपोर्ट के मंथन में समय लगेगा, सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी, उसके बाद ही निष्कर्ष पर आ सकते हैं। और 6 साल चली इस मुखर्जी कमेटी को अब आधिकारिक तौर पे खत्म किया जाता है। कमेटी के नतीजे के एक दिन पहले रौनिता भी वापस आ गई, उनके गिले शिकवे भी दूर हो गए। आधी रात को चंद्रचूर की नींद खुली और उसने नेताजी को कमरे में बैठा पाया। वो बोले, एक सैनिक तब नहीं मरता जब उसका दिल धड़कना बंद कर दे, वो तब मरता है जब लोग उसे याद करना छोड़ देते हैं। उन्होंने चंद्रचूर को आगाह किया, इस कमेटी का नतीजा जो भी हो तुम हिम्मत मत हारना, और पल भर में ओझल हो गए। अगले दिन उसके साथ इस काम में लगे सभी दोस्त कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। उन्होंने आखिरकार ये तो माना कि वो विमान दुर्घटना नकली थी, जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं है। मगर उसके बाद नेताजी कहां गए, उनके साथ क्या हुआ, क्या वो कभी भारत में गुमनामी बाबा के रूप में थे या नहीं, इसे ठोस सबूत के अभाव के कारण ठुकरा दी गई। कमेटी ने उनके कमरे से बरामद उनके हैंडराइटिंग की जांच को गलत बताया और उनके डीएनए टेस्ट के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। चंद्रचूर के 3 साल की रिपोर्ट को यूं ही बिना किसी सफाई के पूरी तरह खारिज कर दिया गया। सब निराश बैठे हैं कि तभी उन्हें रिसर्च बंद करने की धमकी भरा फोन कॉल आया। सारे दोस्त एक एक कर वहां से चले गए। जब रौनिता बाहर आई तो उसने देखा चंद्रचूर खुद को कमरे में बंद कर एक एक किताबे को आग लगा रहा है। उसने हार मान ली है। इतनी मेहनत, इतना वक्त और इतनी सच्चाई का वास्तव में दुनिया के सामने कोई मूल ही नहीं। रौनिता ने तुरंत फायर ब्रिगेड और उसके दोस्तों को फोन लगाया, दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। वो रोता हुआ बोला, 3 साल का संघर्ष सब खत्म हो गया। रौनिता ने जवाब में कहा, तुमने 3 साल में ही हार मान ली, और उस आदमी ने 30 साल लड़ाई लड़ी। सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य ही नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों से भी उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी, और तुम उनके संघर्ष के सामने खुद के संघर्ष को बड़ा बता रहे हो। चंद्रचूर बोला, मैं नहीं बन सकता सुभाष, मैं नहीं हूँ वो। रौनिता बोली, तुम कर सकते हो, तुम में भी सुभाष है, मुझ में, हम सब में कहीं ना कहीं एक सुभाष है जिसने हर जुल्म पे चीख उठाई, वो सुभाष। और चंद्रचूर अपने सदमे से बाहर आ गया। एक बार फिर वो इस मुहिम के साथ उठ खड़ा हुआ। उन्होंने दोबारा फिर कभी नेताजी को किसी को भुलाने नहीं दिया। मिशन नेताजी के निरंतर प्रयास से समय समय पर आई सरकारों ने आज तक कुल 2200 जैसी फाइलों को सार्वजनिक किया, यानी वो अब आम जनता की पहुंच में है, जिसमें ये तथ्य सामने आए कि नेताजी के 1945 में हुए विमान हादसे में मौत पे मोहर लगाने के बावजूद 1964 तक उनके परिवार पर जासूसी रखी गई थी। 31 जनवरी 2013 में गुमनामी बाबा के असली परिचय को ढूंढने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जांच समिति का गठन किया। सितंबर 2017 में इस जांच रिपोर्ट के जमा होने के बावजूद किसी अनजानी वजह से आज तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। जापान के रेनकोजी मंदिर में नेताजी की अस्थियां मौजूद होने के बावजूद डीएनए टेस्ट के लिए कभी कोशिश नहीं की गई, जिससे उनकी मृत्यु के रहस्य का समाधान आसानी से हो सकता है। और आज तक गुमनामी बाबा को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ के मुताबिक वो एक ढोंगी थे, कुछ के मुताबिक वो इंडियन ब्यूरो के द्वारा नेताजी के मौत को छुपाने के लिए एक सजाए हुए गुप्तचर थे, और बाकियों का मानना है कि गुमनामी बाबा और कोई नहीं भारत के सच्चे मुक्तिदाता और सर्वश्रेष्ठ स्वाधीनता संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।